खबर प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज से है। भव्य एवं पारंपरिक वेश में रविवार को शेखनपुर विश्वनाथगंज बाजार में गाजे बाजे के साथ श्रीमद् भागवत कथा का भव्य यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। अजय सिंह गुड्डन पूर्व ब्लॉक प्रमुख बांधाता के निज निवास स्थल से पवित्र जल स्रोत से जल भरने के साथ कलश यात्रा शुरू हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल रहे। महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश रखकर श्रीमद् भागवत गीता के साथ कलश यात्रा विश्वनाथगंज के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करने के बाद कथा स्थल पर पहुंचे। 19 नवंबर से 27 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक कथा का आयोजन होगा और 25 नवंबर को हवन एवं पूर्णाहुति के साथ 27 नवंबर को महाप्रसाद भंडारा के बाद समापन होगा। श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान निर्मला सिंह एवं राजेंद्र बहादुर सिंह लल्लन वैस हैं। कथा व्यास आचार्य श्री शांतनु जी महाराज ने बताया कि विश्व में सभी कथाओं में ये श्रेष्ठ मानी जाती है। जिस स्थान पर इस कथा का आयोजन होता है वो तीर्थ स्थल कहलाता है। इसको सुनने एवं आयोजन कराने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमियों को ही मिलता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा अन्य भी इसे गलती से भी श्रवण कर लेता है तो वो भी कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए 7 दिन तक चलने वाली इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। किसी व्यस्तता के कारण नहीं सुन सकता है तो 2, 3 या 4 दिन ही इसे सुनने के लिए अपना समय अवश्य निकाले, तब भी उसे 7 दिन तक फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये कथा भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है जिसमें उनके अवतार से लेकर कंस वध के प्रसंग का उल्लेख होने के साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में महत्ता के बारे में भी बताया गया है। इसके सुनने के प्रभाव से मनुष्य बुराई त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलने के साथ साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। कलश यात्रा में NRS परिवार के अरुण सिंह राजू कार्यकारिणी सदस्य, जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन प्रतापगढ़ विजय सिंह सोनू और भाजपा नेता कुंदन सिंह आदि सैकड़ों ग्रामवासी व क्षेत्रवासी कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। वहीं देलुपुर SO धनंजय राय अपने दल बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रहे।